हिमाचल प्रदेश में इस बार मॉनसून की बरसात सामान्य से -19% कम रही। बरसात के कम रहने के बावजूद नुकसान जो हुआ वो काफी ज्यादा रहा। मॉनसून की बरसात में 302 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 11 लोग अभी भी लापता हैं। छोटे से जिला लाहौल स्पीति में सबसे ज्यादा 44 मौतें हुई हैं। मॉनसून की बरसात से 800 करोड़ के नुकसान का आकलन किया गया है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान PWD जल शक्ति विभाग और कृषि को पहुंचा है। इस बारे में राजस्व विभाग के प्रधान सचिव का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। जो इस बरसात के मौसम में पिछले कल शाम तक जो है 302 लोगों की मृत्यु हुई है और इसके साथ इसके अलावा 11 लोग अभी भी मिसिंग हैं। इसके अलावा हमारे जो है लगभग 578 एनिमल्स की डेथ हुई है। बहुत सारे हमारे कच्चे और पक्के मकान फुली डैमेज्ड हुए हैं और बहुत सारे जिसमें कि लगभग 700 के आसपास जो है वो पार्शियली डैमेज मकान हुए हैं। इसके अलावा हमारी कई शॉप्स हैं, कोशेड्स हैं, इस प्रकार का बहुत ही नुकसान हुआ है। और इसका जो पूरा आंकलन अभी तक पिछले कल शाम तक है लगभग 800 करोड़ का नुकसान का जो जायज़ा अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार का ने लिया है। जैसे मैं आपको बता दूं कि इस मानसून में ये प्रोडिक्ट किया गया था कि नॉर्मल मानसून रहेगी, नॉर्मल से बेटर रहेगी। नुकसान इतना ज़्यादा हुआ है उसके बावजूद जो बारिश है, बरसात है, वो नॉर्मल से -19% चल रही है। केवल मात्र एक जिला है कुल्लू, जहाँ पे कि नॉर्मल से 26% जो है अधिक बारिश हुई है। जैसे ही पूरा ये हमारा मानसून सीजन हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो जो भी नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेकर के एक मेमोरेंडम बना के भारत सरकार को भेजा जाता है। ओंकार शर्मा ने बताया कि सारे नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। ये हाल तब है जबकि मौसम विभाग ने हिमाचल में सामान्य मॉनसून रहने का अनुमान लगाया था। मॉनसून तो कम बरसा लेकिन जान माल का नुकसान कई ज्यादा अधिक रहा है। शिमला से पी चंद, समाचार फर्स्ट।